जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए, पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव ससंग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी 400 ग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, चार महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से एक माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। द्रावय द्रावय भगवती श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिम अवधीरयतामतीव तदनांगता जिनपते प्रतमाम सुधारा संपद्यताम सपदी वांछित सिद्धेना। ओम रिम शिम क्लीम ऐम रम वम वम हम सम तम पम वम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिम शिम द्राम द्राम द्रीति द्रावय द्रावय। ओम नमः रते भगवते श्रीमते तदनाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। पदम प्रोपार्श्वनाथ भगवान की जय। सिद्ध भगवान भगवान की जय। गणधर भगवान की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। करिए आगे पीछे हो जाइए, सभी अभिषेक करते जाइए, करके आगे पीछे हो जाओ। संस्नाक्ष सर्वाभी रोषधीरुज्वलाभी उद्वर्ति तस्य विधांशिक मीना काले ये कुंकुमर सुकड़वारी पूरई। ओम रिम शिम क्लीम ऐं रं वं वं हं सं तं पं मं मं हं हं सं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि विषयकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निखिलेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो माप्लावय त्रिवनिकपतिं जिनेन्द्रम। ओम रिम शिम क्लीम ऐं रं वं वं हं सं तं पं वं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 वर्षों के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अब चार कलश की धारा कर जिन वर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेषि चंदनेन
देहो परिकुमकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। एक बार एक करो ना, दूसरे करो। यहाँ पर ओम रीम शिम क्लीम हम सम तम पम हम ओम सम सम जम जम शिम शिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वद्रव्याभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। प्रभु शंकर भगवान की जय। सिद्ध परवेष्टि भगवान की जय। पद्म प्रभुपार्श्वनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय जय जय। आसंति का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदे चंपकाद्ये पुष्पैरने केरलिभिर्भताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम्। ओम भीम सुमनः सुप्रदाय सृष्टिं करोमीति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की। मित्रो आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की। जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो। जय जय परमिष्टि पांच जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दध्योज्ज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालये कामदा मारार्पितं तविभोरवतारयामि प्रवतारयामि। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में। मैं तो आरती उतारूं रे चौबीसो जिनवर की। जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो। इति श्री मंगलारती उत्तरणम करोमि नमः स्वाहा। घनसार चतुसमादेन प्रामोद वासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महासपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं ॐ सं सं झं झं छिं छिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्णकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चौबीसों प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। कंदोदक धारा करके मैं जिन वर को भगवती शिकारी पुरक्षिम आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूज्य शांतिनाथ वृषभ देव पुष्प दंत मुनिसुरत निमिनाथ पार्श्वनाथ सप्त शंकर जिनेन्द्रायन रत्नकृताय पद्म प्रभा मंडल मुंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पुण्यायन धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल गौरव सर्वनाशन प्रणाम मंडल मंडित शंकर व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ति सिंह सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन शुक्ल मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्य मम संघर्ष मम इष्ट जीव समस्त अभिषेक कर्ता विधान अद्य विधान कर्ता कुमारी खुशी यश धन कुमार कमल स्वांगल जैसे प्रवरसिम परिवार शांति मंत्र तुम्हारी अन्वेषण वरत पूर्ण वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति स्मृति प्रवरसिम महावीर कुस्मता मयंक डॉक्टर प्रोग्राम नितिन वैशाली आनंद सुतम नकुम श्री रोहिखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर डी आनंद पूजन बारवांकी श्रीमती ललित लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीरेश पंकज पीयूष प्रवरसिम प्रमोद जी विनय पूजा रसागर अमृता प्रोग्राम शांति लाल कनक संजीव प्राची सत्यवनी मुंबई मनोज रजनी जैन परिवार मुन्ना जैन सिजन वर्धमान बारवांकी वर्धमान नेहा बारवांकी नीलेश दीपाजी परिवार बीड
प्रशांत सारिका सुकेश नितु से प्रयोजन विवरण दर्श नव्या प्रियपुर पटु संभाजीनगर सपना अनित अतुल अनिता रोहित पटपुर संभाजीनगर नमिता महेश नमिता माणेशचंद दर्पक हार्दिक कोटा नीरज अपूर्व समेश राजू अशोक सिंह अस्माक उत्तम धर्म शुक्ल ज्ञान पिता का राज्य प्राप्त करना चाहिए। मृते पितरी पुत्रो वा सवंशम ने वो सह पुत्र केवलम मातु क्रमिवत वेदना करा। जो अपने पिता के गौरव को नहीं बढ़ाता है, पिता के वंश को नहीं बढ़ाता है, पिता के नाम को नहीं बढ़ाता है, वो अपनी माँ के पेट में क्रमी के समान वेदना देने वाला है। जो अपने परिवार का माता पिता का वंश का गौरव बढ़ाए वही सच्चा पुत्र हो सकता है। इसलिए मैं अब शीघ्र ही, श्रीपाल महाराज ने विचार किया कि मैं शीघ्र ही जाकर चाचा को युद्ध में जीतकर अपना राज्य प्राप्त करूंगा। जब तक कुल परंपरा से प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे शांति नहीं हो सकती है। मेरे मन में राज्य प्राप्ति के लिए दुर्विचार बना करके वह श्रीपाल प्रजापाल के पास में गया और कहा कि मुझे अपने देश उज्जैन जाना है। तो प्रजापाल ने कहा कि आप हमारे दामाद हैं, इसलिए आप विकल्प ना करें, मैं अपना राज्य आपको देता हूं, आप सुखपूर्वक यहीं रहिए। प्रजापाल ने कहा तिष्ठात्रेव सुखेन त्वं किम साध्यं पितराजतः तनोचित्तं सयुक्त्वा संचालयतु। तब राजा प्रजापाल ने श्रीपाल से कहा कि तुम यहीं सुख से ठहरो और इस राज्य का उपभोग आनंद के साथ करो। तब श्रीपाल महाराज ने कहा कि ये ठीक नहीं है, अर्थात शूरवीरों का ये कार्य नहीं है। यदि मैं अपने पिता के राज्य को नहीं बढ़ाता हूं, प्रजा की रक्षा नहीं करता हूं, तो मेरा पुत्र होना बेकार है। इसलिए चंपापुर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जब प्रस्थान कर रहे थे तब चक्रवर्ती के समान उनकी शोभा थी। हजारों लाखों करोड़ों हाथी घोड़े रथ पदाति उनके साथ चल रहे थे और वीर सेना उनके साथ में थी। रास्ते में अनेक देशों को जीतते हुए, उनको अपनवाते हुए, वह निरंतर धरती को अपने वश में करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इसमें लिखा है क्रमेण साधयन देशान नाम यस्तत प्रभु बहुन संग्रहण सार रत्नानी नाना वस्तुतानी च। वह और साथ में जिनेन्द्र सदनाद्युद्धुक्तम वाध्वनीति मंगलम सोद प्रसाद सत केतु माला भी, मतलब भगवान की भक्ति भी कर रहा है। वह देशों को जीतता हुआ चंपा नगरी की ओर पहुंचा। वह चंपा नगरी अपनी विभूति से, अपनी शोभा से स्वर्ग को भी लज्जित कर रही थी। वहां पर बड़े बड़े विशाल प्रासाद और उन्नत जिन भवन थे, बड़े बड़े विशाल मंदिर, पहले भी मंदिर
बड़े बड़े बनते थे, छोटे मंदिर नहीं बनते थे। विभीषण के मंदिर में, रावण के मंदिर में, रामचंद्र जी के मंदिर में हजारों खंभों के मंदिर हुआ करते। पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है उस समय गली गली चौराहों चौराहों पर जिन मंदिर ही मिलते, और उन मंदिरों के विशाल प्रांगण में, सभागृहों में, चौराहों पर, वहां पर मुनि राजों के प्रवचन होते थे, और लाखों जीव, लाखों नर नारी उनकी वाणी सुनने आते, ऐसा पुराण में आता। तो ऐसे ही चंपापुर के अंदर में यहाँ पर विशाल मंदिर थे, उन पर बड़ी ध्वजाएं लग रही थी, सुंदर रत्नों की मालाएं लटकी हुई थी, और ऐसे चंपापुर नगर में श्रीपाल पहुंचे और नगरी के बाहर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। और चाचा वीर दमन के पास संधि के लिए एक भद्र नाम के दूत को भेजा। स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला वह दूत राजा वीर दमन के पास गया। वीर दमन कौन है? श्रीपाल के चाचा जी ही काका है, जिन्होंने छल से उसका राज्य हड़पा। उस दूत ने वीर दमन राजा को सर्वप्रथम राजा श्रीपाल का संक्षिप्त परिचय दिया और कहा कि संपूर्ण देशों को जीतते हुए वहां की सारभूत संपदाओं को लेकर के महासैन्य के समान महासागर को लेकर के श्रीपाल यहाँ आया है, जिसकी सेवा में देश के सभी राजा महाराजा देशों तत्पर हैं। ऐसा महामंडलेश्वर श्रीपाल ने आपके लिए भेंट स्वरूप ये सामग्री दी है और पत्र देकर आपसे कहा है, आपसे निवेदन किया है कि वह तुम्हारा भतीजा है जो बाल्यकाल में ही देशांतर को चला गया था, वो अपने उत्कृष्ट बल शौर्य वीर से समस्त राजाओं को जीतता हुआ यहाँ आया है, इसलिए आप उसके पिता का राज्य जो है वो श्रीपाल को दे करके शांति से आनंद से रहे, अन्यथा देश छोड़कर चले जाएं। दूत के वचन सुन करके वो राजा वीर दमन क्रोध से उग्र हो गया और उग्र होकर के उसने कहा कि अरे उस श्रीपाल क्रोधाग्नि मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्या कर सकती है, तरण के समान शक्ति उसकी सेना भी मेरा क्या कर सकती है, जैसे सूर्य सघन अंधकार को भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार में अकेला युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं को जीत कर श्रीपाल तत्काल इंद्रलोक में भेज दूंगा। उस दूत ने राजा वीर दमन से कहा कि हे राजन, तुम्हारा मिथ्या अहंकार मान भंग का कारण है, अतः व्यर्थ का अहंकार मत करो, श्रीपाल महाराज की शक्ति की परख करो। वह दूत महाराज की शक्ति श्रीपाल बताते हुए कहता है कि अंग बंग कलिंग गुजरात मालवाड़ी देश कोंकण प्रदेश तेलुगु और सिंह आदि देश भर से राजा, तुम्हारे समान बहुत से राजागण उस श्रीपाल की सेवा में तत्पर हैं और उस कोटि भर श्रीपाल का बल अतुल्य है, अतः तुम्हारे अहंकार को छोड़ो, तुम्हारा झूठा अहंकार तुम्हारे मान भंग कारण बनेगा, उसके सेवक को स्वीकार करो। दूत ने कहा हे राजा वीर दमन, तुम भी रक्षा के लिए क्रोध को छोड़कर वीरोत्तम कोटिभट श्रीपाल का सुरक्षा स्वीकार करो, तथा कोपम परित्यज्य वो प्रभु सुभटोत्तम कोटिभटम सुरक्षार्थ भजत्वम स्वामिनोम। वो कोटिभट है, अकेला एक कोटि महाबलशाली योद्धाओं को पछाड़ सकता है, इसलिए तुम अपने क्रोध को शांत करो, मान को भंग मत करो और जाकर के उससे मिल जाओ। वह वीर दमन राजा तुरंत रणभेदी बजवाकर मधुरमत श्रेष्ठ हाथी पर चढ़कर चतुरंग बल के साथ हाथी घोड़े रथ पयादे लेकर के बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। जब निकल पड़ा तब क्षत्रिय स्त्रियों ने अपने पति स्वामी से कहा कि प्रभु निश्चय से आप शत्रु को जीत कर गज मुक्ता लेकर के आओ। इस प्रकार क्षत्रिय कुलवर्ती स्त्रियों ने अपने पति की विजय मंगल कामना की
और इसमें युद्ध का वर्णन आ रहा है कि सोसा युद्ध के लिए उन्होंने प्रस्थान को भेजा। किसी स्त्री ने युद्ध में जाते हुए अपने पति के प्रति मंगल कामना प्रकट करते हुए कहा कि आप निर्मल यश रूप की संपत्ति को प्राप्त कर हे स्वामी उत्तम मुक्ति को धारण करने वाले शत्रुओं को जीतकर शीघ्र मुझे रत्न राशि प्रदान करें। किसी स्त्री ने कहा हे प्रभु आप वीर शत्रुओं को युद्ध में जीतकर धवल प्रभा से इसको व्याप्त करने वाले चंद्रमा की समान कीर्ति को प्राप्त करें। इस तरह से विजय घोष करते हुए शुभ आशीर्वाद भावना करते हुए उन्होंने युद्ध में अपने पति को भेजा। ऐसा भयंकर युद्ध होने जा रहा है। कोई श्रीमती श्रेष्ठ किसी वीर स्वर्ग की माता ने अपने पुत्र से कहा युद्ध स्थल में तुम समस्त कार्यों की सिद्धि कराने वाले उस पंच नमस्कार स्मरण करना, क्योंकि पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से तुम लोक निर्मल यश और विश्व में व्याप्त शेष विजय को प्राप्त समर्थ हो सकते हो। सारम पंच नमस्कार सर्व सिद्धि विधायक कहा ये नते कार्यम संसिद्धि यशोभिर जगत रहे। जो नमस्कार मंत्र है पंच नमस्कार मंत्र है सारे मंत्रों का सारभूत है, सारभूत है और सर्व कार्य की सिद्धि कराने वाला है। इसलिए जगत श्रेष्ठ यदि कोई है तो नमस्कार मंत्र है। निरंतर पुत्र के विजय की मंगल कामना करने वाली सुबुटो की माताएं मंगलमय पवित्र भावों से पुत्र हे वीर तुम शीघ्र श्रेष्ठ विजय लक्ष्मी को प्राप्त कर यशो कीर्ति से यशो को व्याप्त करो। इतने सैकड़ों आशीर्वाद तथा शिक्षा वचनों के साथ अपने मस्तक पर पुस्तक मस्तक पर उन्होंने सलाट पर दही चंदन अक्षत का क्षेपण मतलब दही भी लगाया चंदन भी लगाया अक्षत का क्षेपण और उत्साह वर्धक वचनों के साथ युद्ध के लिए उसको भेज। इस प्रकार सैकड़ों भट्टों के साथ वह राजा वीरदमन अपने भतीजे श्रीपाल के साथ युद्ध करने की नदी से बाहर उस समय दूत के वचनों को सुनकर श्रीपाल भी रण क्षेत्र में आ गए और वीर दमन के सम्मुख श्रीपाल इस तरह से आए मानो यम ही आ गया। दूतोदितम समाकरणीम श्रीपाल प्रभु उपित्वा सम्मुखम प्राप यमस्य परिवायम। वीर दमन के सम्मुख क्रोध से आविष्ट श्रीपाल को देखकर यहाँ कवि कहते हैं मानो यम के ऊपर यम ही आ गए, अर्थात दोनों यमराज के समान भयंकर दिखते थे परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए दूरदृष्टि यमराज के समान भयंकर थी। दोनों पक्षों के शक्तिशाली मंत्रियों ने विचार किया कि नाना प्रकार के हजारों शत्रु सहित सूटों के द्वारा तथा विशाल विशाल हाथी घोड़े रथ तथा पदाति सेनाओं के द्वारा होने वाला युद्ध महाविनाशकारी है, प्रजा का क्षय करने वाला। अतः उन दोनों पक्षों के राजाओं को देवेंद्र आदि से समर्थ जनाज्ञा प्रदान कर कहा कि हे राजाओं आप सुने जिनेश्वरम वच पूतम सर्व प्राण हितं करम तादृश्या महताम गोत्री युद्ध मम न युज्यते अतो मा प्रिय तो लोके वराको भट को पिचा युद्ध युवाम स्वास्थ्य सामर्थ्य गुरु तुमसे नहीं आवे। वो कहते हैं देखिए आप कि मतलब श्रीपाल के समय पर भी वहां पर सेना का युद्ध नहीं हुआ जैसे भरत बाहुबली का था, ऐसे यहाँ प्रसंग आया है जिन्हें भगवान वचन सही प्राणियों का हित करने वाले हैं, प्राणी मात्र का हित करने वाले उस पवित्र जिन कुल में उत्पन्न आप सभी आप दोनों हिंसात्मक युद्ध करें ये हमें उचित नहीं दिखता है। अतः जिन कुल की पवित्रता को दृष्टि में रखकर और प्रजा की सुरक्षा के हेतु आप दोनों ही परस्पर युद्ध करें। चाचा बचे दे लड़ लो आपस में, जो जीतेगा वो राजा, सेना को बचा लो। मतलब ये भगवान बाहुबली भरत के बाद में दूसरा अहिंसा युद्ध यहाँ पर हो। आप दोनों आपस में युद्ध कर लें, निर्दोष निरपराध सुबटों प्रजाजनों का जिससे क्षय ना होवे, ऐसा सेनाओं के बिना ही युद्ध करना आप लोगों के लिए श्रेयस्कारी होगा। इस प्रकार मंत्रियों ने दोनों पक्ष के राजाओं से निवेदन किया। दोनों प्रजा के मंत्री समझदार थे तो उन्होंने बचा लिया, वरना कितना बड़ा युद्ध होता। मंत्रियों ने कहा है प्रजापालक प्रजाजनों श्रेष्ठ का विनाश ना होवे इसके लिए आप दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करें, उस मल्ल युद्ध में जो विजयी होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। उन श्रेष्ठ राजाओं ने मंत्रियों के वचन को स्वीकार कर
वहां परस्पर मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। दोनों ही राजा अति बलिष्ठ थे, दंड से भी अधिक भयंकारी उनकी प्रचंड दोनों भुजाएं थी, जिनसे एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे थे। उस प्रताड़न से भयंकर आवाज हो रही तथा उनके पाद प्रहार से ताड़ित पृथ्वी भी उनके शौर्य से वीर से पृथ्वी को प्राप्त हुई। वस्तु धरातल को ही चली गई थी, ऐसा कहीं तत्वशक्ति नहीं है। मतलब उन दोनों का जो मल्ल युद्ध वही भयंकर था। अपनी सुरक्षा के लिए पैतरा बदलते हुए साथ में भयंकर गर्जना करते हुए मल्ल युद्ध करने वाले दोनों भट जो कंपित करने वाले, जैसे प्रथम चक्रवर्ती भरत और बाहुबली की युद्ध हुआ था, उसी के समान वे दोनों सर्वोत्तम बहुत समय तक मल्ल युद्ध करते रहे। कोटि भट्ट सुवर्णों में अग्रगण्य श्रीपाल ने भयंकर युद्ध कर उस वीर दमन राजा को अपने आश्चर्यकारी पौरुष बल से जीत लिया और बांध कर डाल दिया। सत्यम जय भवे नित्यम भूतले पुण्यशाली नाम तथा लक्ष्मीश्च कीर्तिश्च तेषां किंचन दुर्लभा। यह बात पूर्ण सत्य है, इस पृथ्वी पर जो पुण्यशाली जीव हैं उनकी सदा विजय होती है। किसकी होती है? पुण्य की विजय। लक्ष्मी कीर्ति आदि कुछ भी उनकी दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी उन्हें पुण्य से अनायास ही प्राप्त हो जाती। हर कठिन कार्य पुण्य से सरल सहज हो जाते, इसलिए निरंतर पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। पुण्य संचय करने वाला ही आगे बढ़ता है। श्रीपाल की विजय से परमानंद को प्राप्त हुए उस पक्ष के सैन्य दल ने जय रूप कोलाहल से आकाश में गुंजायमान कर दिया और वीर दमन राजा का मुख उस प्रकार म्लान हो गया जैसे रात्रि में होने वाले हिमपात से कमल मुरझा जाता है। राजा वीर दमन का मुख कमल जो सबके लिए सुखकारी था, आज युद्ध में पराजय कारण उदास हो गया। वह पराजय रात्रि के गहन अंधकार हिमपात के समान वीर दमन के लिए अति कष्टदायक प्रतीत हो रही थी।